गाइस कैसे हो आप सब। डेफिनेटली अच्छे होंगे। तो गाइस मैं जैसे कि अगला वीडियो में बताया था कैसे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करना चाहो तो कैसे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि यूट्यूब चैनल का फीचर जो है फिलहाल तो चेंज हो गया। तो उसी फीचर में आप कैसे यूट्यूब चैनल नया क्रिएट कर सकते हो, या अगर आप एक नए यूट्यूब क्रिएटर हो उसमें बहुत सारा काम होता है। तो आपका मानो आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट हो गया तो उसका बाद का प्रोसेस क्या रहता है, उसका बाद में हम लोगों का चैनल में कुछ जो चैनल का लोगो होता है उसको डालना पड़ता है, चैनल लोगो बनाना होता है, या चैनल का जो आर्ट होता है जो बैनर होता है उसको बनाना होता है, या जो वीडियो का थंबनेल बनाना होता है, या चैनल का आउट्रो इंट्रो ये सारा बनाना होता है। तो ये सारा चीज के लिए हम लोगों को साइज का जरूरत होता है। जो भाई मैं तो यूट्यूब चैनल के लिए थंबनेल बना लूंगा या लोगो बना लूंगा, या मान लो आप चैनल का जो आर्ट होता है बैनर होता है वो भी बना लोगे, लेकिन गाइस क्या आपको पता है उसका साइज कितना कितना है, आपका चैनल का जो लोगो है उसका साइज कितना है, चैनल का यूट्यूब चैनल का बैनर का साइज कितना है, या चैनल आर्ट का साइज कितना है, आउट्रो बनाने के लिए उसका साइज कितना रहेगा, या थंबनेल बनाने के लिए उसका साइज कितना रहेगा। ये सारा बहुत सारा प्रॉब्लम होता है यार, नए नए क्रिएटर जो होता है उन लोगों को प्रॉब्लम होता है। ऐसे तो आप यूट्यूब में सर्च करने जाओ आपको अलग अलग से वीडियो मिलेगा, आप सर्च करो यूट्यूब चैनल का लोगो साइज कितना है आपको मिलेगा, थंबनेल साइज कितना है, अलग अलग से आपको सर्च करके देखना पड़ेगा। लेकिन गाइस मैं इसी वीडियो में आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर करूंगा, उतना लॉन्ग वीडियो आपको नहीं बोलूंगा, ज्यादा आपको टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा, सिंपल से आप लोगों को समझा दूंगा लोगो का साइज कितना है, थंबनेल का साइज कितना है, या मानो आप चैनल बैनर आर्ट जो होता है आउट्रो इंट्रो ये सारा जो बनाने के लिए साइज कितना कितना आपको यूज करना पड़ेगा। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक देखना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जाओ यार लाइक बटन को प्रेस करो, सब्सक्राइब को प्रेस करो, और अभी तक अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस फर्स्ट में जो यूट्यूब चैनल तो क्रिएट हो जाता है, उसके बाद नए नए बहुत ऐसे क्रिएटर भी है जिनको पता नहीं होता है भाई साइज कितना है। आप सभी तो फोटो अभी एडिट कर सकता है, क्योंकि गाइस अभी सोशल मीडिया में सभी का प्रोफाइल में जाओ कोई ना कोई डेली पिक अपलोड करते रहता है, तो सभी कोई ना कोई एडिटिंग आता है, सभी को थोड़ा बहुत एडिटिंग आता है। तो उनमें जो होता है जो सभी फोटो को एडिटिंग या कोई प्रोफाइल का जो फोटो होता है पिक होता है उसका साइज अलग अलग से रहता है। उसी तरह यूट्यूब का जो थंबनेल का साइज अलग है, चैनल आर्ट का साइज अलग है, लोगो का साइज अलग है, आउट्रो इंट्रो जो होता है इसी का साइज अलग रहता है। तो इस तरह सभी को पता नहीं होता है, वो आसानी से जाएगा यूट्यूब में, टाइम वेस्ट होता है। क्यों वेस्ट होता है, अब लोग देखो जब मानो आपका थंबनेल का साइज चाहिए तो यूट्यूब में आप सर्च करके देखोगे थंबनेल का साइज चाहिए अलग से आएगा, मानो उसके बाद आपको लोगो का साइज चाहिए तो यूट्यूब चैनल का लोगो जो है उसका साइज क्या है उसको देखने के लिए आप लोगों को फिर से अलग से सर्च करना पड़ेगा, या चैनल आर्ट का साइज क्या है उसको देखने के लिए अलग से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन गाइस मैं इसी एक ही वीडियो में जस्ट आपको सारा कुछ जानकारी मिलेगा। अगर आप नए चैनल में अभी तक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट नहीं किया, या मानो आप थंबनेल का साइज कैसा है मालूम नहीं है, या आपका जो चैनल आर्ट होता है चैनल बैनर होता है उसको आप बना नहीं पा रहे हो, साइज पता नहीं है, तो इसी वीडियो को आप लोगों को डेफिनेटली देखना है। उससे पहले जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो शेयर करो। तो गाइस फास्ट में बात कर लेता हूँ, जो चैनल का लोगो होता है उसको तो पहले अपलोड करना पड़ता है भाई, चैनल का दो चीज ज्यादा फास्ट में अपलोड करना पड़ता है, जो आपका लोगो उसका बाद आपका चैनल का जो बैनर होता है चैनल आर्ट होता है उसको आर्ट करना पड़ता है। तो चैनल का लोगो का साइज कितना होता है, जो गाइस बता दूं चैनल का लोगो का साइज जो है आपको जस्ट 800x800 मतलब चारों तरफ आपको सेम रहेगा चैनल का लोगो क्रिएट किया जाता है। तो ये अगर आप लोगों को नहीं पता है चैनल का लोगो किस तरह क्रिएट कर सकते हो, या कौन सा एडिटिंग एप्लीकेशन में आप प्रोफेशनल तरीके से अपना चैनल का लोगो बना सकते हो, उसके लिए भी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा मेरा चैनल में, नहीं तो आई बटन में आपको चेक कर सकते हो वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद चैनल का आर्ट जो होता है चैनल का बर्नर होता है वो किस तरह होता है, तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में जो हम लोगों का यूट्यूब चैनल होता है उसको जैसे ही एप्लीकेशन में हम लोगों का चैनल को ओपन करता हूँ तो पीछे में हम लोगों का जो बैकग्राउंड होता है जो बैकग्राउंड में पिक्चर रहता है उसको चैनल आर्ट बोला जाता है, चैनल का बर्नर बोला जाता है। तो चैनल आर्ट आप चैनल बर्नर कैसे बनाओगे, तो उसका साइज क्या है, चैनल का आर्ट चैनल का बर्नर जो होता है उसका टोटल 5 साइज रहता है, एक रहता है टीवी के लिए, एक रहता है स्मार्टफोन के लिए, एक रहता है मतलब आपका टैबलेट के लिए जो टैब होता है बड़ा स्क्रीन का, उसके बाद एक रहता है डेस्कटॉप के लिए, और एक रहता है मैक के लिए। तो फिलहाल मेरा स्क्रीन में आप लोगों को साइज दिख रहा है, ये जो चैनल आर्ट चैनल बर्नर होता है ये आपको यूट्यूब चैनल के थ्रू मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो इजीली आप अगर स्मार्टफोन में चैनल आर्ट का साइज रखना चाहते हो 1546x4
ये साइज आपको चैनल 8 के लिए यूज करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये चैनल 8 कैसे डाउनलोड किया जाता है या चैनल 8 आप लोगों को डिस्प्ले में देख सकते हो इस तरह का साइज होता है या इसका मतलब जो साइज होता है। अगर आप लोगों को नहीं पता है चैनल 8 चैनल बर्नर ये यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड करना चाहो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। क्योंकि सभी क्रिएटर को ज्यादातर प्रॉब्लम होता है जो चैनल 8 चैनल बर्नर क्रिएट करने का टाइम बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आप इजीली जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसका बाद आ जाता है आप कैसे मतलब चैनल का जो थंबनेल होता है उसका साइज कैसे रहता है। तो थंबनेल किसे कहा जाता है सभी को पता होगा, वीडियो क्लिक करने से पहले हम लोग जिसको देख के क्लिक करता हूँ वो थंबनेल रहता है। तो उस वीडियो का थंबनेल जो है उसका साइज जो रहता है 1280x720 पिक्सल जो थंबनेल का साइज रहता है, ये आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। थंबनेल का साइज सभी को पता होगा, अगर नहीं भी पता है तब भी मैं बता दूं। यूट्यूब जो आउट्रो होता है, इंट्रो तो सभी बना सकता है, आउट्रो का साइज क्या रहता है, आउट्रो का साइज अलग रहता है। तो आउट्रो किसे कहा जाता है आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो, आउट्रो इसे कहा जाता है। इस तरह जो कोई बहुत क्रिएटर का देखो वीडियो का एंड आ जाता है जब भी उसी का बाद उसका आउट्रो स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी हो गया, ये उसका बाद टेक्निकल होगी सर हो गया, इन लोग का जो अभी तक चैनल में देख सकते हो आउट्रो देखना आउट्रो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये आउट्रो का साइज क्या होता है, इसका साइज होता है 1920x1080 पिक्सल, मतलब 1080 पिक्सल, ये आपको साइज है यूट्यूब आउट्रो बनाने के लिए। तो आप इजीलिए यूट्यूब का जो आउट्रो है वो आप क्रिएट कर सकते हो। यूट्यूब का आउट्रो या इंट्रो ये सब क्रिएट करके रखने से आपका यूट्यूब चैनल नया नया है तो आपको सारा कुछ सीखना चाहिए या सारा कुछ चाहिए होगा। लोग इस वीडियो को देख के आशा करता हूं आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया है यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का बाद लोगो का साइज कितना रहता है, चैनल 8 का साइज कितना रहता है, बैनर का साइज कितना रहता है, सारा कुछ आप लोग को पता ही चल गया होगा। अगर 8 का साइज आप लोग को पता नहीं चला तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके डाउनलोड कर लेना। तो आशा करता हूँ अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड हमेशा वीडियो आप लोगों को मिलते रहेगा। तो गाइस चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर।